अब आप अकेले ही हैं भाई। कबड्डी का मतलब लकीर पर पैर रख कर आना ही नहीं होता, बल्कि सामने वाले की छाती चीर कर आना होता है। कबड्डी बेईमानी करके जीता है तू, जीता है तू, जीता है तू। कौन बोला रही है? तूने बोला हाँ? नहीं बोला। तूने बोला? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तूने बोला था ना? मैंने बोला। चलो यहाँ से। तू बोला था क्या? मैं नहीं बोला था। तो फिर कहाँ जा रहा था? उसके मुंह से खून बह रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना। बहाना बना रहा है तू? फिर से पूछ रहा हूँ, तू ही बोला था ना? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं बोला, विश्वास करो मेरा। तू नहीं बोला है क्योंकि वो तेरा साथी है, इसलिए बोला। मैं बेईमानी करके जीता हूँ, अब तू खेल मेरे साथ। कबड्डी 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 कबड्डी। राजेश, अब मेरे नाम से क्यों पुकार रहा है? रुक जा राजेश। अच्छा, मुझे उंगली दिखा रहा है तो रुक जा। इतनी मार खाकर भी जोश नहीं आ रहा ना? मर्द मर्द मर्द। सॉरी बाबा भाई, जबान में घाव के कारण इन्फेक्शन फैल गया है, इसलिए ऑपरेशन नहीं कर सकते। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब ये कभी भी बोल नहीं सकते। मेरे भाई की ये हालत करने वाला कौन है रे? MLR कॉलेज का स्टूडेंट है बाबा भाई। भाई उसका नाम है नंदू। वो जहाँ कहीं भी हो अभी इसी वक्त उठा कर ले आओ। जाओ, जाओ, जाओ। भाई भाई, अगर वो साला कहीं मिल जाता तो सिवाई मारकर दफन कर देते, लेकिन वो कहीं नहीं मिला भाई। हाँ भाई, गली गली ढूंढा उसे, लेकिन वो डर के मारे ये शहर छोड़कर भाग गया होगा भाई। क्या बक रहे हो तुम लोग? एक लड़के को नहीं ढूंढ पाए, दफा हो जाओ। मैं यहाँ हूँ बाबा भाई। बाबा भाई, तू मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए खुद ही आ गया। तूने मेरे भाई को मारा, इतनी हिम्मत कहां से आ गई तेरे को? तेरे भाई ने पहले मुझे मारा, मुझे नामर्द बोला, उसने मुझे मां की गाली दी, मैंने उसे मैं बोलता तुझे नामर्द। तूने मेरे सामने मेरे आदमी को मारा,
इस बाबा के सामने खड़ा है तू और तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? मारना सीखा है मैंने, डर के पीछे हटना नहीं। माँ की गाली देने वाले को मैं नहीं छोड़ता, वो तेरा भाई था, मुझे नहीं पता था। और अगर मुझे पता होता ना तो उसे और मारता, छोड़ता नहीं। तेरी माँ को गाली दूंगा तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा? आप भी तो एक इंसान ही है ना भाई, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ये चाकू मेरे सीने में उतार दो। रुको, 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 रुको। चल जा, जा। साले को मार देना था भाई। शेर की गुफा में खुद चलकर आने वाले शिकार को मारने में मजा नहीं आता। सबके सामने इस बकरे की बलि काली मां पर चढ़ाऊंगा, वो भी सड़क के बीचों बीच। इसकी मौत बहुत भयंकर होनी चाहिए। हमारे बारे में सोचने से पहले ही हर आदमी डर कर मर जाना चाहिए। क्यों बे, इस कॉलेज को बिल्डअप दे रहा है जो बाइक पर बैठा है, नीचे उतर। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू उसे देख रहा है फिर बिल्डअप दे रहा है। ए, नो एंथनी, तू रुक जा यार। कल कॉलेज में राजेश को किसने मारा तुझे बताया क्या? नंदू ने, वो अपना ही चेला है, उसको मारने को किसने कहा था जानते हो? मैंने। वैसे आपका चेला कहाँ है? अरे जेक, उसे मैंने सिगरेट लाने को भेजा है रे। क्यों नंदू, अपने गुरु को सिगरेट नहीं लाएगा? गुरु, गुरु मुझे माफ कर दो। उठ जाओ। गुरु, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे नहीं उठूंगा। गुरु तुम उठो तो सही, जब तक खाने कहोगे पैर नहीं छोड़ूंगा। गुरु ठीक है, उठ जाओ। ए चलो चाय पीने चलते हैं। गुरु ये चांस मुझे मिले। ठीक है चल। माँ आ गया तू? क्या हुआ माँ? मा? घर आ पाया है? इतने दिनों तो कहाँ था? बोल बोल, इतने दिनों तो कहाँ था तू? दस दिन तो हुए। दस दिन ही हुए हैं यार, एक बार कहता है पुलिस स्टेशन में मर रहा हूँ, दूसरी बार कहता है रेलवे स्टेशन में सड़ रहा हूँ, तीसरी बार भी करो। माँ फ्रेंड के सामने क्यों मार रही हो? बेटा तुम्हें कहीं देखा हुआ सा लगता है, तुम्हारे गांव का नाम? मेरे गांव का नाम रामपुर। रामपुर में तुम किसके बेटे हो बेटा? आनंद भूपति जी का माजी। आनंद भूपति जी के बेटे हो? भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे पिताजी को देखकर तो लगता है कि भगवान ऐसे ही होंगे। बेटा बस भी करो माँ, पहले इनको चाय तो दो। अरे पहले बात तो करने दे, अभी बनाती हूँ। करते बैठोगे तो चाय कौन बनाएगा? तुम यहाँ बैठो बेटा, मैं चाय बनाती हूँ। अरे बेटा गैस खत्म हो गई। माँ मैं गैस लेकर आता हूँ। हाँ पर जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। गुरु ठीक है जाओ। हाँ। वहाँ बैठ। चाय? यस। माँ जी एक चाय और चाहिए। नंदू मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे ना? देखो हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मेरा सर दर्द कर रहा है प्रगति, चाय पी के घर जाकर सो जाऊंगा, शॉपिंग के लिए टाइम नहीं है। ऐसा ही होता है, पहले लड़की पटाने के लिए पीछे पीछे भागते हो और जब पड़ जाती है तो उसे अवॉइड करने लगते हो। बस बेटी बस करो, धीरे धीरे परोस रही है हमारी होने वाली बहू। प्रगति मुझे भी तो परोस दो। अभी तो परोसा था जब आपकी नजर दीदी पर थी। प्रगति बहन ठीक से परोसो वरना इनको गुस्सा आ जाएगा, कल यही लोग तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। यू गो, आई विल डू माय वर्क। लेकिन प्रगति प्लीज गो आउट। ठीक है। बेटी ये तुम क्यों कर रही हो, ये सब करने के लिए नौकर है ना? माँ प्रगति को ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। माँ हाँ आंटी जी, मुझ जैसी अनाथ को नंदू ने इस घर से जोड़ा, काश मैं भी यहाँ की एक सदस्य होती। तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी बेटी, चल अब हमारे साथ खाना खा। नहीं आंटी जी, आप सबसे मिलकर मेरा पेट पहले ही भर चुका है। देखना भाभी ये अपने नंदू के हाथों से ही खाना खाएगी। हाँ। सुन नंदू, इस वक्त तेरे पिताजी यहीं आ रहे हैं। तू जाकर अपनी शादी की बात कर ले, जाना। माँ मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। माँ क्या टेंशन हो रही है, प्यार करते वक्त नहीं हुई थी? प्यार करने वाले टेंशन नहीं लेते, टेंशन लोगे तो हो गई तुम्हारी शादी। अब जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा माँ। जाओ मैंने कहा, जाओ ना भैया। ए, जाना यार। अरे जाना बेटा।
पिताजी। मुझे थोड़ी शांति चाहिए बेटा, सोने दो मुझे। ठीक है पिताजी। पिताजी के साथ क्या हुआ बताइए मुझे, कल ऑफिस में क्या हुआ? ये क्या है रंगाराव जी? कुछ नहीं समझी जी, एग्रीमेंट पेपर है, इस पर आप बस दस्तखत कर दीजिए। लेकिन क्यों? और कितने दिन जनता की सेवा के लिए ये स्कूल चलाते रहेंगे? अगर इसे बेच दीजिएगा तो करोड़ों करोड़ों कमाएंगे आप। रंगाराव, भूल गए अपने दिन? तुम पर दया करके मैंने तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाई है मैंने।